गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारे आज का टॉपिक राज्यपाल गवर्नर अर्थात हमारी राज्य सरकार है और राज्य सरकार में हम ये देखते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यह आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से केंद्र में और राज्य है इन सभी में हमने जो एक हमारी शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कौन सी है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। जिस प्रकार से केंद्र में हम देखते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन होता है? राज्यपाल। जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। बिल्कुल आपको यही समझना है कि जिस प्रकार से केंद्र में हमारे राष्ट्रपति और हमारी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जिस प्रकार से वास्तविक और अवास्तविक जो सत्ता होती है उसी का सेम टू सेम यहाँ पर हमें स्वरूप दिखाई देता है। यह आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो देखिए राज्यपाल होता है वो राज्य की शासन व्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है और वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह आपको समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे संसद होती है केंद्र में, संसद में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर ही संसद बनती है, उसी प्रकार से जो राज्य का जो विधानमंडल होता है उस विधानमंडल का राज्यपाल अभिन्न अंग होता है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका औपचारिक प्रधान भी कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान भी राज्यपाल है तथा वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। किसका? केंद्र सरकार का। इस तरह राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं को निभाने का काम करता है। समझ सकते हैं आप? मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक राज्यपाल अलग अलग होंगे। लेकिन हमारे संविधान में सातवां संशोधन 1956 में किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। इसलिए आपको एकदम निश्चित होकर आराम से समझना है कि राज्यपाल के यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। राज्यपाल को केंद्र के द्वारा अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है? और उसके किस प्रकार से उसकी भूमिका है और किस प्रकार से अपने उसमें राज्य के विधानमंडल में अपनी भूमिका निभाता है ये आपको सब समझना है, ठीक है? राज्य का विधानमंडल राज्यपाल के बिना अधूरा है। राज्यपाल उसका अंग है। जो कार्यपालिका है उसका औपचारिक प्रधान है कौन? राज्यपाल। तो आपको यहाँ पर बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि अगर आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर अच्छे ढंग से आपको राज्यपाल भी बेहद आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि इनके पास वास्तविक सत्ता नहीं होती है। वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के पास। तो अब समझते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। मतलब गवर्नर होता है, इंग्लिश में गवर्नर कहेंगे राज्यपाल को, कि इनके अपॉइंटमेंट का क्या क्या प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में ले जाता हूँ कि संविधान सभा इस प्रश्न पर काफी दुविधा में थी। ये उनको एक समस्या थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करें, क्योंकि जिस हमने देखा है कि संघात्मक देशों में राज्यपाल प्रायः जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका में जो राज्यों के जो गवर्नर होते हैं उनका डायरेक्ट चुनाव होता है। अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है, जबकि इसके विपरीत आप कनाडा के देखेंगे तो कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा डायरेक्ट की जाती है। केंद्र ही उनके राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। अब संविधान सभा के सामने सवाल ये था कि भारत की परिस्थितियों के लिए इसमें कौन सा रास्ता अपनाए तो अच्छा रहेगा या उचित होगा, अमेरिका वाला अपनाए या कनाडा वाला अपनाए।
लंबे विचार विमर्श के बाद में संविधान सभा ने तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना ही हमेशा के लिए उचित रहेगा। ठीक है, अब ये निर्णय क्यों किया, इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे, इसके जो आधार थे वो ये थे, एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। पहला आधार ये था कि भारत के विभाजन के कारण संविधान सभा को स्पष्ट समझ में आ गया था कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र का होना जरूरी है, इसलिए केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर था। हमने देखा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय जिस प्रकार से पाकिस्तान ने खून खराबा करके पाकिस्तान एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, देश की एकता अखंडता को बहुत बड़ी चोट पहुंची, तो हमारी संविधान सभा ने महसूस किया कि जब तक हमारा केंद्र मजबूत नहीं होगा तब तक ये ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और आज तक का इतिहास बताता है कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ है हम गुलामी की तरफ बढ़े, हम परतंत्रता की तरफ बढ़े, इसलिए जरूरी है कि हम केंद्र को मजबूत बनाएं। और केंद्र को मजबूत बनाने के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम हमारे जो राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा ही करवाई जाए। तो पहला महत्वपूर्ण और सबसे सटीक जो आधार बना वो यही बना। दूसरा देखें कि अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना भी जाए तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने के बजाय स्वयं की शक्ति केंद्र में बनाना पसंद करेगा। अब मुख्यमंत्री को जनता चुने और इसको भी चुने तो दोनों में स्वाभाविक है कि झगड़ा होगा होगा, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल भी ये माना जाएगा मुझे भी जनता ने चुना, तुझे भी जनता ने चुना, तेरे पास अधिकार ज़्यादा क्यों, मेरे पास अधिकार कम क्यों, तो इस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तीसरा आधार माने कि अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति स्वभावतः किसी दल या गठबंधन से जुड़ा होता, तो इससे उसकी तटस्थता प्रभावित होती होती और ये राज्य के स्वस्थ शासन के लिए अच्छा कभी नहीं माना जाता। भाई आप जिस पार्टी से चुनकर आ रहे हो तो आपका स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी की तरफ आपका झुकाव होगा होगा, और जबकि राज्यपाल का जो पद है वो तटस्थ होता है तो कैसे तटस्थ रहेंगे, वो तो हमेशा अपनी पार्टी का हित देखने का काम करेगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के लिए भी एक प्रकार की चुनौती बनती है, या अपने अच्छी शासन व्यवस्था के लिए या स्वस्थ शासन प्रणाली के लिए ये उपयुक्त नहीं माना जाता, ये भी एक समस्या बनती है। चौथा आधार माना है कि चूंकि राज्यपाल को सिर्फ औपचारिक प्रमुख की भूमिका निभानी थी तो इसलिए इस जब औपचारिक भूमिका निभानी है तो इसके लिए इतना भारी भरकम चुनाव खर्च क्यों करें, इतना बहुत सारा धन खर्च क्यों करें, अनावश्यक जटिलताओं को आमंत्रित करने की कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो आसानी से इनका चुनाव मतलब इनका चुनाव न होकर डायरेक्ट केंद्र के द्वारा नियुक्त कर दो, झंझट खत्म। तो इन चार आधारों के आधार पर हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, इस बात को हम समझा स्पष्ट किया। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल को नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होती है, उसकी एलिजिबिलिटी अर्थात क्वालिफिकेशन क्या होती है अपॉइंटमेंट फॉर गवर्नर। तो देखो सबसे पहले कोई व्यक्ति तभी राज्यपाल बनने के लिए पात्र होगा जब उसके पास ये योग्यता होगी कि एक तो वो भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक, दूसरी कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तीसरा वह राज्यपाल बनने के लिए, यही दो महत्वपूर्ण योग्यता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे शर्तें भी हैं जो इस पर नियुक्ति के लिए नहीं बल्कि उसको बने रहने के लिए जरूरी है, वो ये है कि उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा, यह होती है राज्यपाल की योग्यता। समझ में आ गई, बेहद आसान है, हमने क्योंकि मैं ही समझ के चलता हूँ कि अगर आपने हमारे जो भी डेली रूटीन की वीडियो आते हैं उसमें हमने केंद्र सरकार हमारी संघ सरकार से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को अगर आपने देखा है समझा है तो राज्यपाल बेहद आसानी से आपको तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र का जो स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से राज्य में स्ट्रक्चर अपनाया है। बात समझ में आ गई, जहाँ जहाँ भिन्नता है वहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर चुनाव होता है यहाँ पर चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर ये चीज़ें वहाँ पर ये चीज़ें, इसलिए आप मन लगाकर पूरी तरह आप सुनते जाइए देखते जाइए। ठीक है, अगला है कि राज्यपाल की पदावधि कब तक, उसका कार्यकाल कितना, टर्म कितने समय तक रहेगा। तो देखो राज्यपाल की जो पदावधि है यानी राज्यपाल के जो कार्यकाल है उसके संबंध में जो उपबंध दिए गए हैं उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं।
कि पहला तो यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। दूसरा है वह राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा, यानी अगर कुछ समय से पहले इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे देगा। तीसरा है उपरोक्त दोनों उपबंध के अधीन रहते हुए वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। उसका कार्यकाल वैसे सामान्य तौर पर 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष को स्थायी नहीं है, समय से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। अंत में यही कहा गया है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ग्रहण न कर ले। इस उपबंध का प्रयोजन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कारण से राज्यपाल का पद खाली नहीं रहे। बात समझ में आ गई कि अगर किसी को वहाँ से हटाना है जब तक नया राज्यपाल नियुक्त होकर नहीं आ पहुँचता है वहाँ पर, तब तक वो अपने पद से खाली नहीं होता है। जब तक नया उत्तराधिकारी जो पद ग्रहण नहीं करता है तब तक वो अपना पद धारण करते रहते हैं। बात समझ में आ गई। ये थी इनकी पदावधि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत क्या होता है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य क्या होता है, तो देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, ये तो हमने बिल्कुल स्पष्ट देखा पदावधि में। 5 वर्षों की पदावधि का नियम राष्ट्रपति के प्रसाद के अधीन ही है, इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अनिवार्य 5 वर्षों की अवधि के लिए किसी राज्य का राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसे इस अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है, और चाहे तो 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी उसे या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्ति भी दे सकता है। वह यह भी कर सकता है कि इस अवधि के पूरा होने से पहले ही उसे बिना किसी कारण बताए या बिना सुनवाई का मौका दिए पद से हटा भी ले। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद से है। स्पष्ट तौर पर समझ लेना आप, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके प्रयास से है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग है वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करना होता है। इसलिए जो भी हमारे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब इसको पद से हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति ये समझता है कि अब इसको हटाना है। वास्तविक जो शक्ति है वो किसमें है, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में। तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत मतलब हमारे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का प्रसाद से है। समझ गया। अब देखो ये जो प्रसाद का सिद्धांत है, मैं आपको स्पष्ट कराऊं, बड़ी कक्षा है कि प्रसाद का जो सिद्धांत है वो काफ़ी विवादित रहा हुआ है। केंद्र की सरकारों ने कई बार इसका मनमाना प्रयोग किया है इस प्रसाद का। तो देखो एक सुप्रीम कोर्ट में वाद था बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 में आया था। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसहमति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। अब वो इंदिरा गांधी का दौर गया जो एक साथ 8-8, 10-10 राज्यों की राज्य सरकार बर्खास्त करना या राज्यपालों को वहाँ से हटा देना, ये नहीं है। अब 2010 से बीपी सिंगल बनाम भारत संघ के फैसले के बाद से ये निर्धारित किया गया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए उसे इस आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा कि केंद्र में सरकार बदल गई है, समझ गए आप, या राज्यपाल नई सरकार की विचारधारा सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता। नहीं, अरे वो संवैधानिक प्रमुख है, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, किसकी सरकार आई है, कौन सरकार है, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। ये बात अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तो ये था राज्यपाल की पदावधि के संबंध में जो विभिन्न प्रावधान हैं उनके बारे में। अब हम देखते हैं राज्यपाल को वेतन, सुविधाएँ और विशेष अधिकार, यानी उनको क्या क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं, एक एक करके उनको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए राज्यपाल को वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित कर। राज्यपाल को वर्तमान में प्रतिमाह 3.5 यानी 3.5 लाख रुपये वेतन प्राप्त होता है। कितना, 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख। अब इसमें वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, जो भी सुविधा है, सब कुछ कौन तय करती है, हमारी संसद विधि के द्वारा तय करती है। ठीक है,
अगला देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। माना कि किसी व्यक्ति को, जैसे एग्जांपल के लिए अपन समझने के लिए कहते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल को अगर पंजाब हरियाणा के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार सौंप दिए हैं तो वो वहाँ पर भी उनको जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, जो भी निर्धारित अनुपात के अनुसार है, वो भी उसको वहाँ का भी वेतन उसको प्राप्त होगा। बात समझ में आई? फ्री में काम कहीं नहीं करवाया जाता है। तीसरी बात है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम भी नहीं किए जा सकेंगे, कि जो भी वेतन और भत्ते प्राप्त हो रहे हैं राज्यपाल को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ राज्यपाल को बिना किराया दिए शासकीय आवास, जिसको प्रायः राजभवन के नाम से जाना जाता है, उपयोग करने का पूरा पूरा हक होगा, अधिकार होगा। समझ में आ रहा है? चौथा है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्य के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया हुआ है। अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। इस दौरान न तो ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी और न ही, यदि पहले से शुरू हो चुकी है तो उसको चालू रखी जा सकेगी। बिल्कुल पूरी तरह से उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की अधिकारिता किसी न्यायालय को भी प्राप्त नहीं है। किसी न्यायालय को नहीं है कि राज्यपाल को गिरफ्तार किया जा सके। ठीक है, ये सब हमारे राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं जिनके तहत अपने पद पर रहते हुए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। तो ये हमने आज समझा कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों आवश्यक है, राज्यपाल के चुनाव क्यों नहीं होते हैं, और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता है, राज्यपाल की पदावधि के बारे में क्या है, और राज्यपाल की वेतन भत्ते एवं सुविधा के बारे में हमने समझा। आगे आने वाली कक्षा में हम राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य को स्पष्ट करेंगे।